व्हाट इज ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम या जीसीएस? तो अर्थ कैसा है? एक ग्लोब की तरह है और इसमें हम कुछ कंप्यूटेशन करेंगे या लोकेशन जानेंगे, लेंथ जानेंगे, यहां से वहां कैसे जाएंगे, कितना लेंथ है इसका, तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया। जैसे हम जब छोटे थे तो हमने सीखा था कि भाई एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा। अब किसी भी लोकेशन को अगर आपको बताना है तो आप इसको एक्स और वाई लोकेशन से बताते थे, इस लोकेशन का एक्स और वाई चेंज हो जाएगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमको अर्थ को मॉडल करना है, अर्थ को एक स्फीयर की तरह, इलिप्स की तरह, जिस तरीके से भी करना चाहे, तो ये 3D आपका स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हम लोकेशन कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर जैसे लोकेशन डिफाइन कर दिया या किसी पॉइंट को हमको बताना है कहां है, तो उसके लिए इस अर्थ को कैसे डिवाइड किया गया, देखिए ये अर्थ है, इसको पहले बीच से, अच्छा ये सारी इमेजिनरी लाइन है, कोई भी लाइन इसमें अर्थ पे नहीं है, ये हमने बस बना दिया है खुद के लिए। यहां पर हमने क्या किया कि इसको बीच से डिवाइड किया, ऐसा एकदम बीचों बीच, क्योंकि जो बीच वाला जो पॉइंट लाइन है, अगर इसको मैं केवल एक 2D बनाऊं तो बीच में ऐसे लाइन जाएगी, लेकिन अगर आप 3D में देखें तो ये आपका पूरा का पूरा एक इक्वेटोरियल प्लेन है। तो इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो ये हमारी एक तरीके से एक्स एक्सिस हो गई और ये पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को दो भाग में डिवाइड कर रही है, इक्वल। इसको हमने कहते हैं कि नॉर्थ भाग है, इसको हम साउथ भाग कहते हैं। एक्स एक्सिस तो हो गई, अब वाई चाहिए, तो वाई के लिए क्या किया, इसी अर्थ को ऐसे करके एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया गया वाई एक्सिस बनाने के लिए। तो यहां पर अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसको हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। तो ये आपकी जो लाइन है जो पूरे अर्थ को दो भाग में इक्वल डिवाइड करती है, उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच, एक यूके में जगह उससे पास होती है। अब हमारे पास क्या होगा कि एक बेस आ गया, अब हम क्या करेंगे कि किसी पॉइंट को लोकेट करना है इस जगह पे या इस जगह पे, तो कैसे करेंगे उसके लिए, फिर यहां पर इस लाइन के पैरेलल यू लाइन बनाई गई, यानी कि ये जो लाइन है इसके नीचे एक लाइन ऐसे बनाई गई, इसके ऊपर ऐसे करके एक लाइन बनाई गई, इनको कहा गया पैरेलल्स या इनको कहा गया लैटिट्यूड। क्या कहा गया? लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन है, ये हो गया। उसके बाद अब अगर इस पॉइंट को एग्जैक्ट पोजिशन करना है तो हमको इसके साथ वाई भी चाहिए, तो फिर इसको दोबारा इस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको हमने कहा लॉन्गिट्यूड। तो अब हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गई। अब किसी भी पॉइंट का हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि ये इसका लैटिट्यूड है, ये इसका लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या हुआ, ये एंगल है। कैसे एंगल है? यहां से एक लाइन खींचिए, मान लीजिए हमको इस पॉइंट का लेना है, तो हम यहां से यहां तक ज्वाइन कर देंगे। ये जो इक्वेटोरियल लाइन से जो बना रही है एंगल, मतलब इस प्लेन से जो एंगल ये लाइन बना रही है, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। यहां पर आ जाइए, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द अर्थ है और ये आपका प्लेन है, तो यहां पर बनाते हैं, ये आपका प्लेन है। अब मान लीजिए आपको इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है, तो यहां से ये ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो एंगल बन रहा है इस प्लेन से, ये प्लेन मान लीजिए ऐसा है, इस प्लेन से जो ये एंगल बन रहा है, इसको हमने कहा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो होगा सेंटर ऑफ द अर्थ से जो एंगल यहां से यहां तक बन रहा है, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ऐसे ऊपर जो बन रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो बेसिकली एंगल है। तो हमने एक पूरा सिस्टम बना लिया जिसमें हमने एक प्राइम मेरिडियन भी डाल दिया, एक आपका ये इक्वेटर भी डाल दिया और डेटम भी बता दिया कि भाई डेटम किसी ना किसी स्फेरॉइड पे किसी बेस होगा। और डेटम हमेशा ये होता है कि जो पूरे अर्थ को अच्छे से कवर कर लेता, क्योंकि अर्थ तो ना तो ग्लोब है प्रॉपर स्फीयर है, ना तो हमारा एलिप्स है। तो जीसीएस का मतलब ये है कि हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन जान सके 3D में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और प्रोजेक्शन के जरिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये यहां से लेकर यहां तक जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री तक जाती है। तो यहां से यहां तक जाएगी तो हम इसको नॉर्थ कहेंगे, यहां से यहां तक जाएगी तो हम इसको साउथ कहेंगे। अब आ जाते हैं मेरिडियन पे, ये सारी मेरिडियंस है, प्राइम मेरिडियन ये है, यहां नहीं है, हम ढूंढते हैं ये, मान लीजिए ये, क्योंकि ग्रीनविच से पास हो रही है ना प्राइम मेरिडियन। अब यहां पर इस तरफ जाएंगे तो पूरा का पूरा 180 डिग्री घूमेंगे, तो यहां से 180 डिग्री हमने कहा ईस्ट, कोई भी एंगल होगा, या जैसे 44 है तो 44 डिग्री ईस्ट कहा जाएगा इसको, और यहां पर करेंगे तो इसको हम कहेंगे वेस्ट। तो यहां लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ में नापी जाती है और ये ईस्ट वेस्ट में नापा जाता है, क्या? मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड।